हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज हम रीडिंग लिख रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। शायद डेक उल्टा कर रखा मैंने। बॉटम ऑफ डेक है रेस्ट एंड रिजनवेट और दूसरा है यहाँ पर रिजोइस इन सेलिब्रेशन। देखिए, नियर फ्यूचर में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ तो आएंगी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आप सेलिब्रेट भी करेंगी। आपका पार्टनर जो है वो आपकी तरफ आएगा, आपसे रिकन्सिलेशन करेगा, जिसने अभी तक आपको बहुत वेटिंग मोड पर रखा है, बहुत ज़्यादा जो है आपको धोखा दिया है, चीटिंग की है, वेटिंग मोड पर रखा है, आपको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे ये पर्सन और अभी आपसे रिकन्साइल करना चाहते हैं। देखिए, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपसे अभी मिलना चाहते हैं, उनकी सच्चाई आपके सामने आएगी, कोई ना कोई ऐसा खुलासा आपके सामने होगा कि जिससे आपको खुद ब खुद पता चल जाए कि ये पर्सन आपको क्यों छोड़कर गया था, इसके पीछे क्या इसकी मजबूरी थी, ये आपको पता चलने वाली है। वो आपसे ये कहना चाहते हैं जो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि वो ऐसा कहना चाहते हैं कि मैंने जो आपके साथ में बिहेव किया है, जो मैंने आपको टॉर्चर किया है, जो मैंने जो भी कुछ किया है ना, आपके साथ में बुरा बर्ताव किया है, हमारे बीच में ट्रस्ट इशू पैदा हुई हैं, वो सब करने का जो है यहाँ पर क्या मकसद था, यहाँ पर उनको जो है वो अभी बताते हुए शर्म आ रही है। आपके पास सामने धीरे धीरे उनका खुलासा होता चला जाएगा, अभी तक वो बता नहीं रहे थे लेकिन अभी आपके सामने वो खुलासा करेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि डिसेप्शन और एनवी, उनको भी समझ में आ गया है कि हमारे साथ बहुत धोखा हो रहा है, हमारे बहुत दुश्मन हैं जो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो हमें गिराने की कोशिश करते हैं, और ये और कोई नहीं, हमारे अपने हैं, ऐसा उनको पता चल गया है। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि इस बंदे को एहसास हो गया है कि हमारे आस पास ऐसे लोग हैं जो हमें बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने वेटिंग मोड पर इसीलिए रखा कि उनकी सच्चाई उनके सामने आ सके, वो पागल बन करके जीते रहे कि जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है, लेकिन वो उसके पीछे भी कुछ जो है ब्लेसिंग्स छुपी हुई थी। यूनिवर्स का भी रोल है इसमें। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप उदास ना हो, निराश ना हो, लेकिन जो भी मैंने दुख दिए हैं ना, उनको मैं अभी दूर कर दूंगा और वो आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अभी उनकी थर्ड आई चक्र जो है वो एक्टिवेट हो रही है, उनको विजन दिखते हैं, उनको सिंक्रोनिसिटी होती होगी, उनको कोई ना कोई सपन के माध्यम से एंजल्स कुछ बताना चाह रहे हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि आपको मैं बहुत खुशी दूंगा, मैंने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा दुख दी हैं, आपको मैंने हेल्प नहीं की, इक्वल गिव एंड टेक हमारा नहीं था इस रिलेशनशिप में, तो मैं अभी आपको बहुत खुशी देना चाहता हूँ, ऐसा आपके पर्सन कह रहे हैं। वो आपसे ही अपना संसार देख रहे हैं, आपसे ही अपना घर देख रहे हैं, वो थोड़े से जो कंजूस हो रहे थे, जो आपको कुछ दे नहीं रहे थे, ना तो वो इमोशनली आपके साथ में प्रेजेंट थे, ना वो फिजिकली आपके साथ प्रेजेंट होना चाहते थे, आपसे दूर दूर कटे कटे रहते थे, लेकिन अभी वो खुशियाँ लाना चाहते हैं आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आपको कोई अपना घर भी मिल सकता है, आप अपना कोई घर भी परचेज कर सकते हैं या फिर इनहेरिटेंस मिल सकता है, आपको काफ़ी फाइनेंशियली गेन होगा। मुझे ऐसा यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं, आपके पर्सन को वो कुछ दिखने लग गया है कि ये सब कुछ मुझे मिलेगा, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि इतना पेशेंस रख लिया, थोड़ा सा और पेशेंस रख लीजिए, मैं आपको बहुत सारी खुशी दूंगा। आप ये सोच रहे कि इतना धोखा देने वाला इंसान कभी बदल सकता है, इतना धोखा करने वाला इंसान कभी मुझे खुशी दे सकता है, लेकिन कुछ हालातों के पीछे भी इंसान मजबूर हो जाता है, लेकिन कुछ जो है डेस्टिनी में भी ऐसा होता है कि कुछ हमारे कर्मा होते हैं जिसकी वजह से एक अच्छा जो है इंसान वो भी बुरा बन जाता है, चाहे वो कितना सच बोलता है लेकिन लोग उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, चाहे वो कितना ही अच्छा काम करे लोग उसकी कमियां निकालते रहते हैं, ऐसी भी नौबत आती है किसी इंसान के साथ में। तो आप मान के चलिए कि आपके पर्सन जब आपको शुरू में इतना चाहते थे, इतना प्यार करते थे, तो किसी कारणवश ही वो मजबूर होकर के वो बदले हैं, या डेस्टिनी का रोल था उसमें, कर्मा थे जिसकी वजह से उस पर्सन को बुरा बनना पड़ा। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि आपके सामने वो सच्चाई भी आएगी कि जिसकी वजह से आपके पर्सन बदले थे और जिसने बदलने पर मजबूर किया था, वो सारी सच जो है आपके सामने आएगी, जल्द ही आपके सामने वो खुलासा होगा।
मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि उनका भी दिल दुखी हो रहा है, बहुत ज़्यादा उनको दुख पहुँच रहा है, उनकी थर्ड आई से उनको पता चल गया है कि उनको कौन धोखा दे रहा है, उनको अब सारी बातें समझ में आ गई, इसीलिए वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, हो सकता है तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत दुख दी है लेकिन मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ, मेरा घर संसार आप ही से है, मेरे बच्चे आप ही से हैं और मैं अभी आपसे दूर हूँ ताकि मैं उन दुश्मनों से बदला ले सकूँ जो दुख मुझे और मेरे बच्चों को दिए हैं, उनका मैं बदला ले सकूँ, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। और फिर वो आपको आकर अपनी सारी सच्चाई बताएंगे कि किस कारणवश मैं आपसे दूर रहा, आपको टॉर्चर करता रहा, मैंने आपको सपोर्ट नहीं किया, इसके पीछे का रीज़न क्या है। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि गाइस कि आपके पर्सन जो है वो आपको सारी सच्चाई बताएंगे, आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये कार्ड जो बोल रहे हैं वही मैं बोल रही हूँ, अपनी मन घड़ंत कहानी मैं नहीं बता रही हूँ। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं एक दो कार्ड, वो आपसे और क्या कहना चाहते हैं। आपसे बात करना चाहते हैं, आपको खुशी देना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा खुशी देना चाहते हैं, अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। आपके पर्सन है अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं कि मैं कैसे जाकर माफ़ी मांगूँ, ऐसा सोच रहे हैं, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। और मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि वो प्रेयर भी कर रहे हैं और इन टॉक्सिक लोगों से डील भी कर रहे हैं और वहाँ से वो बाहर भी निकलना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं आपकी लाइफ में। आपको ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अभी बैलेंस बनाकर चलना चाहता हूँ, अब मैं वो दुख आपको नहीं देना चाहता जो पास्ट में मैंने आपको दिए थे। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है वो सोच रहे हैं, ट्रिक चलने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मैं यहाँ से बाहर निकल सकूँ, ऐसा वो सोच रहे हैं। यहाँ पर खुलासा तो उनके सामने हो चुका है, तभी वो आपके पर्सन ऐसा कह रहे हैं कि आपने काफ़ी पेशेंस रख लिया है कि अभी थोड़ा सा और रख लीजिए ताकि मैं उन लोगों की सच्चाई आपके सामने ला सकूँ और उनका असली चेहरा आपको दिखा सकूं, उनका मुखौटा आपके सामने उतार सकूं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके फैमिली मेंबर्स में उनके फ्रेंड्स भी जो धोखा कर रहे थे वो भी सामने आएगा। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी की सच्चाई आपके पर्सन के सामने आ चुकी है, वो मौका मिलते ही आपको बताएंगे और आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो आपसे और क्या कहना चाहते हैं। यू आर क्यूट, आपको बहुत ही अच्छा पर्सन भी देखती है, क्यूट हैं आप बहुत ही, वो कह रहे कि मुझे भुला मत देना। ठीक है, आपकी दी हुई गिफ्ट उनको बहुत अच्छी लगती है, चाहे आपने कोई ड्रेस दी हो चाहे आपने कोई गिफ्ट दी हो, लेकिन वो उसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। नहीं हो सकती किसी और से मोहब्बत इतनी, वो आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं किसी और से नहीं करते इतनी। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आपके साथ में वो डेट पर जाना चाहते हैं। ठीक है, तुम बहुत सुंदर लगती हो, आपको बहुत सुंदर देखती हैं, यहाँ पर ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन आई हैव एवर मेट, आप इतने अच्छे पर्सन हैं कि ऐसे पर्सन को उन्होंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं मिले, ऐसा वो कह रहे हैं कि आप बहुत ही अच्छे पर्सन हैं, आप बहुत क्यूट हैं, आप बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही प्यारे हैं, आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि इतनी मोहब्बत वो किसी और से नहीं करते। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग, आई होप गाइज रीडिंग आपको रेजोनेट हुई, रेजोनेट तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। तो गाइज मैं बताना चाहूँगी कि आपके पर्सन के साइन, आपके पर्सन जो हैं वो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, वृषभ कन्या और मकर राशि हो सकते हैं, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो हो सकते हैं, यानी कि मीन कर्क और वृश्चिक राशि हो सकते हैं, आपके पर्सन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं यानी कि मिथुन तुला और कुंभ हो सकते हैं, आपके पर्सन एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं यानी कि मेष सिंह और धनु राशि, मेष सिंह और धनु राशि हो सकते हैं। तो ये आपके लिए लकी नंबर में बताना चाहूँ तो आपके लिए लकी नंबर हो सकते हैं 2, 2 मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, आपको हो सकता है 222 दिखाई देती हूँ, 3 नंबर आपके लकी हो सकता है, 7 नंबर आपके लकी हो सकता है, 10 नंबर आपकी लकी हो सकता है, 12 नंबर आपकी लकी हो सकता है, 17 आपकी लकी हो सकता है, 22 आपकी लकी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग, आई होप गाइस रीडिंग आपको रेजोनेट हुई, रेजोनेट तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।